फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी मटन कोरमा। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मटन करी की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg फ्रेश मटन और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है दही और दही का पानी मैंने सारा निकाल लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। इसके बाद हमने लिया है ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें हमने ऐड किया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च और 2 तेज पत्ता। उसे अच्छे से इसमें तड़क लगने देंगे ऑयल में। इसके बाद मैंने इसमें 2 स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, इसे भी मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे भून लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है मसाले ऐड कर लिए हैं। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है और इसे हाई फ्लेम पे हमने जो है 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे जो है हमने इसे कवर नहीं करना है, बिना कवर किए ही हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए 4 मिनट हो चुका है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। इसे अच्छे से चला लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी मैंने 1/2 लीटर यूज किया है। ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और कवर करके इसे 40 से 45 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो बीच बीच में मैंने इसे चलाया था तो आप भी बीच बीच में जरूर चेक कर ले ताकि जो मटन है वो नीचे से लगे नहीं। इसे कुक होते 50 मिनट लगा है और ये देखिए 50 मिनट में जो ये हमारा मटन है वो काफी अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम जूसी सा बन के रेडी है। तो इसे अच्छे से हमने चला लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है फाइन चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता और 1 चम्मच गरम मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाकर और फाइनली हमारा जो मटन है वो रेडी है सर्व करने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिख रहा है ना यम्मी और कितना क्विकली जो है हमने इसे रेडी कर लिया। इसे हमने बनाने में पूरे 1 घंटे लगे हैं और 1 घंटे में हमारा जो मटन है एकदम परफेक्ट कुक होके रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सी रेसिपी बनवानी है तो मैं आपके लिए वो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह से एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।